आप आए या कांग्रेस आए, लेकिन बीजेपी अब नहीं आनी चाहिए। पुरानी गाड़ी भंगार में दे देनी चाहिए, तो 27 साल जो पुरानी पार्टी है तो उसको भी भंगार में दे देनी चाहिए ना। और आम आदमी पार्टी की एक अच्छी बात यही है कि उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। और जो भी आए लेकिन परिवर्तन। दोस्तों अभी हम लोग है सूरत में, और सूरत में डायमंड मार्केट में समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि इस बार क्या यहाँ की आम जनता परिवर्तन चाह रही या फिर इस बार फिर से भाजपा आई, क्योंकि 2017 में यहाँ पर भाजपा ने पूरा साफ कर दिया था कांग्रेस को, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो क्या इस बार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर होगी या फिर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं लड़ाई में है? तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं, युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? विशाल नरोला। विशाल जी, कैसे देख रहे हैं यहाँ पर भाजपा का कार्यकाल रहा है, तो भाजपा का काम कैसा है? भाजपा का काम बहुत दिक्कत से हो रहा है, कोई सरकारी काम पूरा नहीं हुआ टाइम से। आम आदमी पार्टी आएगा वो तो पक्का है। भाजपा का काम उस तरीके से नहीं हो पा, सरकारी काम कोई बिना पैसे के नहीं होता है। सरकारी काम बिना पैसे के भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार? हाँ, भ्रष्टाचार ही हो रहा है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ जाए? हाँ, कोई काम तो होगा। परिवर्तन के लिए वही सही है, परिवर्तन के लिए वही सही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, एक बार भाजपा को हटाना चाहिए। एक बार हटाना चाहिए, 27 साल से भाजपा है तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाजपा ने काम बहुत बढ़िया कराया हो? पैसा लेके बढ़िया ही करा है, सब बढ़िया काम ही किया है भाजपा ने। तो व्यापार कैसा चल रहा है अभी यहाँ पर? व्यापार चल रहा है, देख रहे हो ना आप, सब खड़े रहे तुम्हारे साथ, मंदी में है। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर केजरीवाल अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा? जरूर लाएगा, बोलते हैं तो परिवर्तन तो लाएगा ही। अच्छा, हाँ लाएगा, एक बार मौका देने का है उसको, केजरीवाल को। केजरीवाल झाड़ू साहब को? हाँ, पक्का आम आदमी पार्टी। पक्का लग रहा है? पक्का लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार यहाँ आप आ जाएगी? जनता को क्या है, जो प्राथमिक सर्वर है उसको टाइम पे मिलनी चाहिए, जोन ऑफिस का काम है वो सब टाइम पे मिलना चाहिए, वो टाइम पे नहीं मिलता। टाइम से नहीं मिल। चाचा इनसे पूछते, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण भाई। भाई आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को इस बार यहाँ पर? आपने लावनी जरूर से, आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को जरूरत है यहाँ पर, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचारी बड़ा लोग है भाजपा में, भाजपा में भ्रष्टाचार, अधिकारी बड़ा पैसों खाए, बीजो कहीं करता नहीं लोग, अधिकारी लेवल के लोग जो है भ्रष्टाचारी, नाने पुलिस थी ठेठ, लेकिन लोग पैसा बड़ा पब्लिक ने उलूद बन रमाड़ा है। उस तरीके से काम भाजपा ने किया नहीं, किया जैसे कहीं काम नहीं किया, पब्लिक ने कोई काम नहीं किया। पूरे देश में चर्चा होती है गुजरात मॉडल की, मैं सरसा नहीं करता हूँ, मैं सूरत नहीं सरसा करता, सूरत की चर्चा, सूरत में उस तरीके से काम है, नहीं काम है। व्यापार कैसा चल रहा है? हाँ, व्यापार एकदम धीमत चल रहा है, बताने रील पाड़ा है, ओलू करे ओलू करे, कोई पूछ रही डब्बे कोई बोले नहीं, बेकार चल रहा है, बेकार। आपका नाम क्या है? नीलेश भाई। नीलेश भाई आप कैसे देखते हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि जो 27 साल से गुजरात में जो काम हुआ है उससे बेहतर और कोई राज्य में जाकर आप देख लो, कहीं भी काम नहीं हुआ। भाजपा फिर से चाह रहे हैं? फिर से नहीं, बार 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 पूरे देश में। अच्छा। कहीं कोई पार्टी रहनी नहीं चाहिए, पूरे देश में कोई पार्टी रहनी नहीं चाहिए, भाजपा ही रहनी चाहिए। तो दूसरे लोकतंत्र अपने अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भाई, तो दूसरी पार्टियाँ विपक्ष का जो रोल होता है ना वो पूरे 5 साल रहना चाहिए। अभी ये लोग है ना खाली चुनाव के टाइम आते हैं, अभी आप केजरीवाल को देख लेना, अभी आएगा पूरे राज्य में प्रचार करेगा, चुनाव हार जाएगा, फिर अगले 5 साल के बाद आएगा। अगले 5 साल के बाद है। चाचा से पूछ लेते, चाचा आपको क्या लग रहा है इधर? भाजपा आम आदमी मैंने तो बोला, आपको लगता है कि भाजपा यहाँ पर लड़ेगी सही से? कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर केजरीवाल का भी सिस्टम सही है, आपको नहीं लग रहा इस बार आप यहाँ पर? हमें भाजपा त्यारा थी जी, भाजपा सही लगता है। लड़ाई किससे है यहाँ पर? है भाजपा कांग्रेस आप में किससे है यहाँ पर? भाजपा कांग्रेस है या भाजपा आपसे? आपसे लड़ाई है यहाँ पर सूरत में। आपका नाम क्या है? भाजपा ने ना आपने था बे लड़ाई, भाजपा और आप नहीं था, भाजपा ने आपने था। आप क्या चाह रहे हैं? भाजपा बजा रहे क्या भाई? आप क्या चाह रहे हैं? भाजपा ने आपने लड़ाई था बाकी कांग्रेस तो नहीं आए, आप और भाजपा में लड़ाई है। आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? हूँ तो आप माँ आप में तो केजरीवाल से उम्मीदें हैं भाई बराबर से, अपन आप माने भाजपा में टक्कर था अपन कांग्रेस नहीं बोल सकता मैं। क्या क्या नाम है आपका? भाजपा। क्या नाम है आपका? सावलिया रतिलाल साम जी। क्या चाह रहे हैं आप? आप चाह रहे हैं परिवर्तन, चाह रहे हैं परिवर्तन, चाह रहे हैं। हाँ क्यों भाई, परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि गुजरात में बहुत बढ़िया विकास है, गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का झूठ बोलता है कौन? मोदी।
झूठ बोलता है मोदी, झूठ बोलता है, क्या करे। अभी परिवर्तन की सख्त जरूरत है यहाँ गुजरात में, क्योंकि 27 साल से एक हत्तु शासन चल रहा है, तो यहाँ की जनता और लोग यही चाहते हैं कि परिवर्तन आए और युवाओं को, जो इन लोगों ने शिक्षित लोगों को पार्टी में सबको खड़ा किया है वो अच्छी बात है, और देश के विकास के लिए हमेशा युवा ही आगे आए हैं। और आम आदमी पार्टी की एक अच्छी बात यही है कि उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। भाजप हो या कांग्रेस हो, तो उसमें भ्रष्टाचार काफ़ी बहुत है। कांग्रेस ने भी 70 साल में काफ़ी भ्रष्टाचार किया, तो हमने सोचा कि चलो भाजप को चुनते हैं, तो भाजप भी वही काम कर रही है। तो अभी गुजरात के लिए और गुजरात की जनता के लिए एक विकल्प है, एक विकल्प है आप, अब एक विकल्प है। सूरत में आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली 100%। तो यहाँ पर भाजपा को डर लग रहा है क्या आपसे, इसी वजह से? अभी देखिए कल क्या हुआ है कि उनके कैंडिडेट, उन्होंने नामिनेशन वापस ले लिया अपना। जी जी जी, डर है, ये डर पूरी तरह डर है उसको। नहीं, कुछ नहीं, भाजपा जाएगा, पूरे पूरा सूरत की सब धारा सभ्य की भाजपा आएगा। बीजेपी को इतना डर है, इसलिए तो केजरीवाल और सिसोदिया के घर पर तीन तीन बार रेड कर चुके हैं ईडी सीबीआई। अगर उसको डर नहीं है तो उसके वहाँ रेड क्यों करवा जाए, बराबर। तो लोग भी यही चाहते हैं, परिवर्तन चाहता है, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है। लोग यहाँ के चाह रहे हैं परिवर्तन। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब एक आ गए, इनसे राय ले लेते हैं, बोलेंगे कुछ? नहीं बोलना चाह रहे। एक इनसे राय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? विजय भाई। विजय भाई, क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में, परिवर्तन या फिर भाजपा? परिवर्तन लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन लागे किसको? परिवर्तन लागे किसको, आपको, कांग्रेस को, किसको? आप आए या कांग्रेस आए, लेकिन बीजेपी अब नहीं आनी चाहिए। पुरानी गाड़ी भंगार में दे देनी चाहिए, तो 27 साल जून पुरानी पार्टी है, तो उसको भी भंगार में दे देनी चाहिए ना। एक बार परिवर्तन, आप एक बार परिवर्तन। अच्छा, आए या कांग्रेस आए, लेकिन परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन लेकिन आना चाहिए। क्या नाम है सर आप? परिवर्तन, परिवर्तन। क्या नाम है आप? संजय। संजय भाई, कैसे देखते हैं इस बार गुजरात में, क्या नहीं है? देखो, सब रखते धंधा गड़बड़ है, धंधा वजह से परिवर्तन चाह रहे सूरत के लोग। परिवर्तन, परिवर्तन लागे कौन, कांग्रेस या फिर आप? वो भी आए, लेकिन परिवर्तन, वोट फॉर परिवर्तन। भाजपा बोलते हैं कि लोग विकास बढ़िया है और पूरे देश में चर्चा होती है, गुजरात मॉडल की भी चर्चा होती है, यहाँ ऐसा विकास तो उनका हुआ है। चर्चा होती थी सबकी, अब आप ही आने वाली है, देख लेना है। आप ही आएगी, आप ही आएगी, चर्चा होती थी सर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोतीलाल आयरे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मेरा बीवी नहीं आया है, बच्चा नहीं आया, साला 2 साल जेल में गया है।